कुमार महतो, इनके साथ 40 आदमी लोकी लोकाह विधानसभा से हैं, जो चंडीगढ़ में और बिहार के अच्छे बड़े कॉरपोरेट पर। रुक जाइए दादा, शीतल प्रसाद सिंह ये बाबू बड़ी से हैं, इनके साथ 20 आदमी। नीरज कुमार गुप्ता जिला गया, नीरज कुमार गुप्ता, अरशद अली साहब कोयरी टोला सब्जी बाग, वीरू कुमार भगत दक्षिण शास्त्री नगर मुंगेर, वीरू सूरज कुमार, सोनू सिकिल, विक्की विशाल, रोशन कुमार, ऋतिक सूरज कुमार, सानू कुमार, गोलू ये कुमरार, बाल कृष्ण चौधरी जी ये भी कॉरपोरेट से है रानीगंज। और हमारी सिटी से महिला बहन है अवध किशोर मौर्य, मुन्नी देवी पटना साहब, राजकुमार, सोनी कुमारी भागलपुर से पैक्स अध्यक्ष है अभी, विनोद पंकज यादव जी, मनोहर जी और कुंदन यादव जी। जहानाबाद का लिस्ट आया नहीं से हैं जनता राज विकास पार्टी, रंजन कुमार यादव बिहार प्रदेश अध्यक्ष, अभिषेक कुमार युवा अध्यक्ष और मोहम्मद इमरान छात्र अध्यक्ष, चंदन कुमार ये पार्टियों से विलय कर रहे हैं अपनी पार्टी को पूरा। ये सभी लोग, इनके साथ सैकड़ों समर्थक हैं, आप लोग हाथ उठा लीजिए, पूरा हाथ में हाथ मिला लीजिए, पकड़ लीजिए हाथ में हाथ, हाथ में हाथ। ये लोग आप लोग भिक्ति दिखा दीजिए, इन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। सबसे पहले मेरा नीतीश कुमार जी से सवाल, कल वो बाढ़ का दौरा करने गए 4.5 महीने के बाद, ये कब उन्हें पता चला कि लगभग 50 लाख लोग प्रभावित हो गए बाढ़ से? एक दिवसीय उन्होंने विधानसभा बुलाया, क्या वो बीजेपी को चैलेंज करने के लिए विधानसभा सत्र थी या जनता को धोखा देने के लिए? आपने उस दिन कोई भी बाढ़ के क्षेत्र घोषित नहीं किया, आपने 4 महीना राशन देने की बात नहीं की, आपने कोई जितने बांध टूटे 37 बांध टूटे उसका आपने FIR करने की घोषणा नहीं किया ठेकेदारों पर और पदाधिकारियों पे। आप आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री से रिजनेशन नहीं लिया, ना तो बर्खास्त किया, जबकि राहत का सारा पैसा आपदा मंत्री से लेकर नीचे से ऊपर तक घर में जा रहा है। जितने बांध टूटे वो बांध के सारे पैसे ठेकेदार और सिंचाई मंत्री के माध्यम से ऊपर तक जा रहा है। आपने यह घोषणा नहीं की कि हाई कोर्ट से हम जांच कराएंगे जितनी बांध 15 साल के अंदर टूटी है। आप विधानसभा सत्र क्यों बुलाए थे जब बाढ़ क्षेत्र घोषित हुआ नहीं, जब आपने लोन माफ किया नहीं, जब आपने 20,000 रुपया प्रत्येक परिवार को दिया नहीं, जब आपने 4 महीने का राशन की घोषणा की नहीं, जब आपने सभी तरह के लोन माफ करने की बात की नहीं, जो पूरा 14 जिला बाढ़ से प्रभावित है 14, और आप 4.5 महीने तक आपके आपदा मंत्री सिंचाई मंत्री को नींद नहीं टूटी, नींद एकदम नहीं टूटी। तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे
कि क्या कारण है कि आप लोग घर में सोए हैं अभी तक। और नीतीश कुमार जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके वीडियो सीओ कलेक्टर सब घर में सोए रहते हैं, ना कहीं बाथरूम की व्यवस्था है। मकैर, परसा, अमनौर के एक एक गांव हम कल गए, महिलाओं को शौचालय के लिए कहीं जगह नहीं है, रोड पर पानी भरा हुआ है। गांव छोड़ दीजिए, एक एक महल उसमें पूरी तरीके से डूबी हुई, एक भी फूस के घर नहीं बचे, और शौचालय की कहीं महिलाओं की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, पन्नी की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, और किचन की व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह होगा पूरी मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार जी हवा हवाई करना छोड़िए, 15 साल बिहार की जनता को बहुत हवा हवाई करवाया, अब जमीन पर उतरिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का तालमेल था विधानसभा के सत्र में, तालमेल और घाल में, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। ना तो विपक्ष ने बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाई, ना ही लोन माफ करने का की उठाई, ये अपनी राजनीति कर रहे थे, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। एक लाइन विपक्ष ने बिहार के 17 जिलों की बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की मांग नहीं उठाई, जबकि विपक्ष का जिला सबसे ज्यादा तबाह है, छपरा, गोपालगंज और सिवान, ये कहता है मेरा घर है। और जो अपने घर में ना जाए वो पड़ोसी के घर की बात ज्यादा करता है। दोनों आदमी राजनीति के सबसे बड़े दलाल है, पॉलिटिकल ग्लैमर गैम्बलर है, गैम्बलर, पॉलिटिकल गैम्बलर। ये सीधा सवाल है पप्पू यादव, और मेरा आग्रह है पूरी मंत्रिमंडल और विपक्ष अपने पूरा कुनबा को लेकर नदी के भीतर पन्नी में 2 दिन रहे, जहां पर कोई राशन नहीं है। मैं पारू के एक एक गांव, पारू का सरैया, मुजफ्फरपुर का बोचहा, सीतामढ़ी के सारे सड़कों पर कोई खाना की व्यवस्था नहीं, दरभंगा में बांध टूट गया, हायाघाट, केवटी, जाले, पूरा का पूरा जलमग्न। कल जहां नीतीश कुमार गए वहां पर 40 लाख रुपया लगाया कलेक्टर ने वहां का, और 3 मिनट भी नीतीश कुमार वहां नहीं रुके, और बिस्कुट का डिब्बा लेकर बच्चे से पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार सर भी शर्मा जाएगा। प्लीज, आपको यदि जमीन पर जाना हो तो कलेक्टर, सीओ, वीडियो और अपने काफिला के बगैर जाइए, तब आपको दर्द होगा नीतीश कुमार जी कि बिहार की 50 लाख जनता कैसे जी रही है। मौत से बदतर, जानवर से बदतर नौ नहीं है कहीं, लोग जो डूब रहे हैं नौ नहीं रहने के चलते, बोट की व्यवस्था नहीं की गई, मौत के सौदागर है ये लोग। बाट पर श्वेत पत्र लाए, आपदा मंत्री और सिंचाई मंत्री का पूरा संपत्ति का जांच, और 15 साल 30 सालों के अंदर सब सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग, ये बाढ़ इन लोगों के लिए कंप्लीट रूप से दुधारू है, ये लूटने का एक जरिया है, घर भरने का बाढ़ जरिया है, क्योंकि बाढ़ में कोई ऑडिट नहीं होता है, सुखाड़ में कोई ऑडिट नहीं होता है, ना आरटीआई होता है, इसलिए इन लोगों ने लूटने का एक रास्ता, बांध सरकार की पदाधिकारी तोड़वाती है, और इसमें मंत्रिमंडल की भूमिका होती है बांध तोड़वाने में पूरा, बांध टूटता नहीं है, तोड़वाया जाता है, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों लूटे जाते हैं। क्या कारण है कि अभी तक किसी कंपनी पर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ और इंक्वायरी नहीं बैठाए? इसलिए विधानसभा सत्र, नीतीश कुमार ने बाढ़ और कोरोना
जैसे मुद्दे को दिग्भ्रमित करने के लिए। कोरोना में लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है और नीतीश कुमार के डॉक्टर किसी को छूने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार के आचरण के चलते। जब सब कुछ ठीक है नीतीश जी, तो 3 हेल्थ सेक्रेटरी को रिजाइन क्यों करना पड़ा, क्यों अलग होना पड़ा? इसका मतलब है कुछ भी ठीक नहीं है। 3-3 बार हेल्थ सेक्रेटरी का बदलना ये साफ दिखाता है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी सही नहीं है। पूरी बिहार की जनता को कोरोना में मरने छोड़ दिया गया और बाढ़ में भूखे और जानवर की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। एक भी MLA और एक भी पदाधिकारी मंत्री जनता के बीच नहीं जा रही। कहां ये भाग चुकी है? भगोड़े हैं ये लोग, सौदागर हैं ये लोग। एक भी मंत्री और संतरी इनके जनता के बीच नहीं। और सारा राशन की लूट की व्यवस्था, यह सबसे बड़ी दिक्कत। और तीसरा चीज अंतिम, नीतीश बाबू बधाई आपको कि आपने बीजेपी को अच्छे तरीके से राजनीति का पाठ पढ़ाया। 12:30 बजे जब बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपना फैसला बनाने में लगे थे टीवी पर, अरे मोदी जी राम तो सुदामा और सबरी के बीच है, राम तो पप्पू के मन में और कन में है, राम गांव के झोपड़ियों में रहता है, राम मंदिर में नहीं रहता। और जब कल 12:30 बजे राजनीतिकरण का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, तो नीतीश कुमार ने 4.5 महीने के बाद 12:30 बजे ठीक अपने चेहरे चमकाने के लिए नया अध्याय शुरू कर रहे। क्या मानूं, नीतीश कुमार और बीजेपी ने ये जरूर नीतीश कुमार ने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को राजनीतिक फैसला नहीं माना जा सकता। कल जो हुआ राजनीतिक ड्रामा हाई वोल्टेज, वो आस्था के साथ खिलवाड़ था। आस्था का मतलब है राम हमारा, राम सबरी का, सुदामा का। और बिना सुदामा और सबरी के राम को समझना ये संभव नहीं है। ठीक किया नीतीश कुमार ने, कम से कम ऐसे मुद्दे को जो आस्था का भी राजनीतिकरण हो जाए उसमें उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इसके लिए नीतीश जी को बधाई कि कम से कम राजनीति से बचे नीतीश जी। पूरा देश का 130 करोड़ लोग, हर जाति धर्म वर्ग के लोग की आस्था ईश्वर अल्लाह भगवान गुरु के साथ है। सभी लोगों की आस्था पवित्रता के साथ है। हर चीजों में राजनीति करना ये सही नहीं है। हमें गर्व है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश के 130 करोड़ लोगों ने एक नई आस्था और एक खूबसूरत सुंदर समाज की निर्माण की शुरुआत, बिना किसी राजनीति की गंदी खेल और नफरत के, भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना जनताओं ने की। मैं इस देश के जनता को बधाई देता हूं और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय की आस्था उस निर्णय को कि आज भी इस हिंदुस्तान की जनता अपने न्यायपालिका पर समर्पित है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्या तालमेल और घालमेल है। जब एक तरफ राजनीतिकरण हो रही थी, तुष्टिकरण की, छदम हिंदुज्म की,
तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो न्यायालय पर आस्था करके, और मैं मोदी जी को कहूंगा, मोदी जी आप राम मंदिर की राजनीतिकरण करने में पीछे बाज नहीं आए।